नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो कभी महामूर्ख के नाम से जाने जाते थे, परंतु उन्होंने कैसे अपनी लगन से महामूर्ख की जगह महाकवि की उपाधि प्राप्त कर ली, ये हम जानेंगे आज की एक बहुत मजेदार कहानी में। तो तैयार हैं आप सब सुनने के लिए? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। जल्दी शुरू करो कालिदास की कहानी। ठीक है, सुनो। बहुत पुरानी बात है, उत्तर भारत में कालिदास नाम का एक महामूर्ख व्यक्ति रहता था। उसी राज्य के राजा की पुत्री, जिसका नाम विद्योत्तमा था, बड़ी विदुषी और शास्त्र निपुण थी। विद्योत्तमा से कई विद्वान पंडितों ने शास्त्रार्थ किए, पर कोई उसे कभी नहीं हरा पाया। इस बात का विद्योत्तमा को बड़ा घमंड था। उसने राजा के सामने यह शर्त रखी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा सकेगा। बेटी की शर्त के कारण राजा ने दूर दूर से कई विद्वान पंडितों को बुलाया, परंतु विद्योत्तमा की बुद्धि और ज्ञान के आगे कोई न टिक पाता और दरबार में अपना उपहास करवा के उल्टे पांव चला जाता। इस बात से राजा बड़े विचलित यानी परेशान रहते थे। एक दिन दुखी राजा दरबारियों से बोले, क्या इस संसार में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? यह सुनकर दरबार में बैठे पंडित, जो स्वयं भी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार चुके थे, बहुत लज्जित हुए। उन सब पंडितों ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि अब तो इस विद्योत्तमा का विवाह हम संसार के सबसे बड़े मूर्ख से कराएंगे। जो दरबारी अब तक विद्वानों की खोज कर कर के थक चुके थे, अब किसी महामूर्ख की तलाश में जुट गए। एक बार जंगल से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक नौजवान पेड़ की जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। वे समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख तो भला संसार में कौन ही होगा। ये महामूर्ख कालिदास था। उन्होंने कालिदास को पेड़ से उतारा और उसे कुछ समझा बुझाकर उसे दरबार में उपस्थित कर दिया और राजा से बोले, महाराज, ये महापंडित कालिदास हैं, शास्त्रों में परांगत। हम इन्हें राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ हेतु लाए हैं, परंतु इन दिनों इन महाविद्वान का मौन व्रत चल रहा है। ये राजकुमारी से इशारों में ही बात करेंगे। अगर राजकुमारी को इनकी चुनौती स्वीकार हो तो आज्ञा करें, हम शास्त्रार्थ का प्रबंध करते हैं। अब विद्योत्तमा को अपनी बुद्धि पर इतना घमंड था कि भला वो चुनौती कैसे स्वीकार न करती। मौन में शास्त्रार्थ की चुनौती उसने तुरंत स्वीकार कर ली। दरबारी पंडित मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अब निश्चित दिन और समय शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने मूर्ख कालिदास को एक उंगली दिखाकर इशारों से पूछा, इस जगत में परमात्मा एक है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, आपके इस पर क्या विचार है? कालिदास ने इन इशारों का मतलब यह समझा कि ये राजकुमारी एक उंगली से मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं क्या करूंगा। उसने सोचा, मैं कोई कम हूं क्या, मैं दो उंगलियों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। यह सोचकर कालिदास ने उत्साहित होकर दो उंगलियां उठा दी और कुछ इशारे करने लगा। विद्योत्तमा को जब कुछ समझ नहीं आया तो दरबारी पंडितों ने समझाया कि महाविद्वान कालिदास यह बोल रहे हैं कि इस जगत में केवल ईश्वर एक ही नहीं है, उसकी माया भी है। जवाब सुनकर सभी दरबारियों ने ताली बजाई और मूर्ख कालिदास की प्रशंसा करने लगे। अब बारी आई दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में विद्योत्तमा ने हाथ की पांच उंगलियां दिखाकर हमारे शरीर की पांच इंद्रियों के बारे में प्रश्न किया। कालिदास समझा कि ये मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है, तो उसने सोचा ये मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं उसे घूंसा मार दूंगा और मुट्ठी बांधकर विद्योत्तमा को दिखा दी। विद्योत्तमा को फिर कुछ समझ नहीं आया तो पंडितों ने बोला कि कालिदास कह रहे हैं कि ये पांचों इंद्रियां मेरे वश में हैं। दरबारियों ने एक बार फिर खुलकर उसकी प्रशंसा की और तालियों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा और पंडित कालिदास के इशारों का मतलब निकालते चले गए और इशारों में ही मूर्ख कालिदास विद्योत्तमा से जीत गए।
शर्त के अनुसार शीघ्र ही विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को पता चल गया कि कालिदास विद्वान नहीं बल्कि कदाचित विश्व में सबसे बड़ा मूर्ख है। अब तक कितने ही पंडितों का वह मूर्ख कहकर मजाक बना चुकी थी, परंतु आज उसका विवाह ही महामूर्ख से हो गया था। इस बात से आहत उसने अपने पति कालिदास को धक्के मारकर यह कहकर घर से निकाल दिया कि अब मेरे सामने तभी आना जब शर्त के अनुसार सच में तुम महाज्ञानी और विद्वान बन जाओ, और उससे पहले मुझे अपनी सूरत कभी न दिखाना। तिरस्कृत कालिदास बेचारा क्या करता, वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते उसे प्यास लगी। वह एक कुएं के पास पहुंचा और रस्सी से पानी खींचने लगा, पर मन ही मन उसे अपनी नववधु द्वारा किया गया अपमान रह रहकर याद आ रहा था, और विद्वान बनकर ही लौटने वाली उसकी बात भी याद आ रही थी। वह मन ही मन बहुत दुखी था और सोच रहा था कि जहाँ सब ही मुझे इतना बड़ा महामूर्ख मानते हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो भी विद्योत्तमा के समान विद्वान कैसे बन सकता हूँ। यही सोचते सोचते वह धीरे धीरे कुएं से पानी खींच रहा था। तभी सहसा उसका ध्यान उस पत्थर पर पड़ा जिस पर घिस कर कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी ऊपर नीचे जाती थी। बार बार एक ही जगह घिसने से रस्सी ने उस पत्थर पर निशान बना दिया था। यह देख कालिदास ने सोचा कि जब कोमल रेशों से बनी इस रस्सी के आने जाने से इस कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं मूर्ख अभ्यास कर करके विद्वान क्यों नहीं बन सकता। मूर्ख कालिदास ने पढ़ना लिखना चालू कर दिया और अभ्यास कर करके एक दिन वह बहुत बड़े विद्वान बने। आगे चलकर मूर्ख कालिदास महाकवि कहलाए और उन्होंने संस्कृत में अनेकों कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। कालिदास की विद्वान बनने की कहानी तो थी बस इतनी ही, पर इस कहानी से हमने सीखा कि मैं बताऊंगा फूलकुमारी दीदी। ठीक है, बताओ। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हम निरंतर प्रयास करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, चाहे शुरू में हम उस कार्य को करने में कितने ही कमजोर प्रतीत हो। बहुत अच्छे, आपको तो ये कहानी बिल्कुल समझ आ गई। अब इस कहानी की सीख सदा याद रखना, चाहे स्कूल का कोई विषय हो जो समझ नहीं आता हो या कोई अन्य कार्य, याद रखना अगर आप पूरी मेहनत से उसके पीछे लग जाएंगे तो उस कार्य में परांगत होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, इसी संदेश के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ भारती।